ask the question, then you said it. I was saying things you're regretting. Can't erase the. सबसे पहले हम बैक पार्ट काट लेंगे, जिसके लिए मैंने इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। और जो लेंथ मैंने यहाँ पे लिया है वो है 21 इंच और जो इसका विड्थ है वो है 10 इंच। तो यहाँ पे सीम अलाउंस भी इंक्लूडेड है। तो इसके बाद इस वाले साइड पे जो खुला वाला साइड है वहाँ पर 1 इंच और थोड़ा इधर से भी 2 इंच के करीब हम मार्क करेंगे और हल्का सा एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इसे कट कर लेना है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट काटेंगे, जिसके लिए भी मैंने ऐसे एक बार फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। और जो इसका विड्थ है वो है 10 इंच और जो इसका लेंथ है वो है 15.5 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा सीम अलाउंस। अब हम फ्रंट का योक पार्ट काटेंगे, जिसके लिए भी मैंने इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके रख दिया है एक बार। और जो इसका लेंथ वो है 4 इंच प्लस 1 इंच सीम अलाउंस और जो इसका विड्थ है वो है 7 इंच। तो यहाँ पे भी हम यहाँ से 1 इंच और ऊपर की तरफ से 2 इंच के करीब मार्क करेंगे और कर्व करके इसको भी हम कट कर लेंगे। तो अब इस वाले पार्ट पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, जो कि है 6 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा है सीम अलाउंस। और यहाँ पे वेस्ट है, जो इसका योक पार्ट का वेस्ट है वो है 5.2 इंच प्लस 1 इंच सीम अलाउंस। तो अब इसे ऐसे ड्रॉ कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ले लिया है और ये मैंने लिया है 1 मीटर। और जो लाइलन मैंने लिया है इस फ्रॉक के लिए वो भी मैंने 1 मीटर ही लिया है। तो इसे इस तरीके से एक बार हम फोल्ड कर लेंगे और जो बैक वाला पार्ट है उसे हम सबसे पहले काट के निकाल लेंगे। जो लाइलन का फोल्डेड हिस्सा है और जो मेन फैब्रिक का फोल्डेड हिस्सा है वो हम दोनों एक साइड रखेंगे और जो खुला वाला हिस्सा है वो एक साइड रखेंगे, खुला वाला पार्ट। तो अब हम इसे सिंपली इस तरीके से तो अब हम सेम उसी तरीके से जो हमने फ्रंट के लिए लाइलन काटा था उसे भी रख लेंगे, फोल्डेड हिस्से को दोनों को मिला के, और इसे भी हम इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे। तो जैसा हमने फोल्ड करके लिया था फ्रंट एंड बैक को, उसी तरीके से योक पार्ट को भी फोल्ड करके रखेंगे और जो उसका शेप है उसको कट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है कट करने के बाद। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रैप्स के लिए मार्क कर लिया है, जो लेंथ है 7 इंच प्लस 1 इंच सीम अलाउंस और जो विड्थ है वो है 1.5 इंच प्लस 1 इंच सीम अलाउंस। तो इसे भी हम इस तरीके से तो यहाँ पे मैंने बो के लिए मार्किंग कर दी है, जो फ्रंट में हम बो लगाएंगे जो कि है 10 इंच बाय 8 इंच। कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो जो हमारा लाइलन वाला फैब्रिक है बैक पार्ट का, उसका मैंने नीचे का हेमलाइन स्टिच कर दिया है और जो मेन फैब्रिक है उसका मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे फिनिशिंग हो रखी है। तो इसे इस तरीके से बिछा लेंगे एम्ब्रॉयडर फैब्रिक के बैक साइड में और कॉर्नर कॉर्नर से स्टिच लगा के दोनों फैब्रिक को जॉइन कर देंगे। नीचे में नहीं लगाना, सिर्फ ऊपर में। अब मैं ऊपर से यहाँ पे 5 इंच पे एक मार्किंग करूँगी। 5 इंच का मार्किंग हमने अंदाजे के लिए लगाया है, उसके बीच में हमें इस तरीके से 3 लाइंस बनानी है जिनके ऊपर हमारा इलास्टिक लगेगा। तो मैंने उसके लिए 3 पीसेस इस तरीके से इलास्टिक के कट कर लिए हैं। तो इसका मेजरमेंट आपको इस तरीके से लेना है, जो आपका फुल बॉडी राउंड है उसको आप हाफ कीजिए और हाफ करने के बाद उसमें से 1.5 या 2 इंच आपको कम कर लेना है। लाइन से वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक लाइन पे इस तरीके से इलास्टिक को रखेंगे और इसको लॉक कर लेंगे।
एक बार सिलाई करके लॉक कर लेने के बाद, लॉक करने के बाद हमें इलास्टिक को हल्का सा स्ट्रेच करना है, खींचना है। खींचने के बाद इसे हम इस तरीके से पकड़ के एकदम बीचों बीच स्टिच लगा लेंगे और बैक साइड से भी हमें हल्का सा इसे खींचते रहना है। और इस तरीके से हमने जो ऊपर वाला इलास्टिक है फर्स्ट लाइन वो हमने लगा दिया है, तो बाकी के दो लाइंस पे भी हम सेम इसी मेथड में इलास्टिक को लगा लेंगे। इसे ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। तो अब बारी आती है स्ट्रैप्स की, उन्हें हम सिंपली इस तरीके से बीच में से फोल्ड करेंगे और हाफ इंच सीम अलाउंस रख के हम स्टिच कर लेंगे। दोनों को हम सेम तरीके से स्टिच करेंगे और इन्हें हम पलट लेंगे राइट साइड की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पलट लिया है और जो स्टिच है वो हमने बीचों बीच रख दिया है। इस तरीके से रखने के बाद हम अच्छे से इसे आयरन लगा लेंगे दोनों। तो यहाँ पे मैंने सेम मेजरमेंट के दो लेस के पीसेस काट लिए हैं, उन्हें हम इस तरीके से ऊपर से रखेंगे और स्टिच कर लेंगे ताकि थोड़ा और अच्छा सा लुक आ जाए। तो यहाँ पे मैंने योक पार्ट ले लिया है फ्रंट का और इसका जो सीधा वाला हिस्सा है वो हमने अंदर की तरफ रखा है। और यहाँ पे अब हम स्ट्रैप्स लगाएंगे, तो बीच में से हम यहाँ से 3 इंच फिर मिडिल से 3 इंच पे मार्क कर देंगे, यानी कि टोटल 6 इंच का गैप रहेगा दोनों स्ट्रैप्स के बीच। अब जो हमारा स्ट्रैप है वो हम इस तरीके से मार्क किए हुए हिस्से पे रखेंगे और दूसरा वाला भी यहाँ पे रख लेंगे मार्किंग के बाद। और यहाँ ऊपर से हम 1/2 इंच सीम अलाउंस रख के इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। स्टिच लगा लेने के बाद यहाँ पे मैं छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेने हैं, उसके बाद इसे हम इस तरीके से पलट लेंगे। पलट लेने के बाद यहाँ से हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो बैक पार्ट है वहाँ पे भी हम स्ट्रैप्स के लिए मार्किंग करेंगे, मिडिल पोर्शन से 3 इंच फिर मिडिल पोर्शन से हम 3 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम स्ट्रैप्स को इस तरीके से रखेंगे दोनों के सीधे साइड को मिलाते हुए, जो हमारा योक है और जो बॉडी बैक बॉडी पार्ट है उसे। और यहाँ पे मैंने एक ब्यास की पट्टी काट ली है, उसे हम इस तरीके से रखते हुए स्ट्रैप्स को बीच में रखेंगे और 1/2 इंच सेम अलाउंस रख के इस तरीके से जॉइन कर लेंगे पूरा ही जो अपर वाला हिस्सा है वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ब्यास की पट्टी को जॉइन कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम ट्रिम कर लेंगे। अब इसके बाद जो ब्यास की पट्टी है उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे। तो अब ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसका भी हम जो हेम लाइन है उसे भी हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। करने के बाद इसे भी हम साइड साइड से इस तरीके से स्टिच लगा के दोनों फैब्रिक्स को जॉइन कर लेंगे। उसके बाद इसे हम गैदर्स बना लेंगे, जो हमारा योक वाला पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें गैदर्स को बना लेना है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने गैदर्स बना लिए हैं, आप चाहो तो प्लेट्स भी बना सकते हो। तो जो हमारा योक पार्ट है उसे हम इस तरीके से रखेंगे दोनों के जो राइट साइड मिलाते हुए और यहाँ पे हम 1/2 इंच सीम अलाउंस रख के इसे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो बो के लिए काटा था उसे मैंने इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से स्टिच कर लिया है और बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया है ताकि हम बाद में इसे पलट पाएँ। और उसे फिर हम इस तरीके से कर लेंगे, जो हमारा स्टिच है वो बीच में आ जाएगा। आने के बाद जो साइड से वहाँ से हम 1/2 इंच स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच लगा दिया है, अब हम जो बीच में हमने गैप छोड़ा था वहाँ से हम इसे पूरी अच्छी तरीके से पलट लेंगे। तो पलट लेने के बाद हम इसके कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेंगे किसी पेंसिल या फिर इस तरीके से किसी क्रोशिया नीडल के हेल्प से। तो अब मैंने यहाँ पे सुई में धागा पिरो लिया है और उसे बो के इस तरीके से बीच में रख के हम स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगा के इस तरीके से हम अच्छे से बो के शेप में इसे टाइट करके इस तरीके से बांध लेंगे।
मैंने यहाँ पे एक और छोटा सा पीस ले लिया है लेस का, जिसे हम इस तरीके से बीचों बीच रखेंगे बो के, और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे, और यहाँ पे छोटा सा स्टिच लगा के इस सुई की मदद से हम इसे सिक्योर कर लेंगे। यहाँ पे हमारा बो रेडी हो चुका है, उसे हम इस तरीके से बीच में रखेंगे। रखने के बाद हमने यहाँ पे नीडल में धागा फिर से डाल लिया है। डालने के बाद उसकी हेल्प से हम जो लेस है वहाँ से हम स्टिच कर लेंगे बीचों बीच से, और नीचे का मेन फैब्रिक, लेस और बो तीनों ही आ रहे हैं स्टिचिंग में। और होने के बाद बैक में इस तरीके से एक बार इसे हम जो हमारा जो नॉट होता है वो लगा लेंगे। तो हमारा बो भी यहाँ पे अटैच हो चुका है। इसके बाद हम जो राइट साइड है दोनों का इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे हम एक स्टिच लगा लेंगे, जो भी हमने एक्स्ट्रा सीम अलाउंस रखा था 1 इंच का, ऊपर से नीचे तक हम इसको स्टिच लगा के फिटिंग दे देंगे। तो इसी के साथ हमारा जो फ्रॉक है वो भी रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही जो ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल बटन होता है उसे भी आप दबा दें, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप कभी भी उसे मिस ना करो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, जिसका हैंडल है sunshinebymadhu_m। तो अभी तक मैंने जो भी ड्रेसेस बनाए हैं या फिर आगे जो भी ड्रेसेस के ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं, उन सब का मैं ट्राई ऑन वीडियो भी लाने वाली हूँ, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। तो मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे हैप्पी।